नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक बार केबीएस में आपकी अपकमिंग जो वैकेंसी है उसकी अपडेट को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष पुनः हाजिर हूं। जैसा कि आपको इससे पूर्व एक व्याख्यान में मैंने आपसे बताया था कि केबीएस में आपकी वैकेंसी को लेकर के एक सर्कुलर आपका बहुत तेजी से कई जगह पर न्यूज भी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, तो उसी के संबंध में एक अभी आपकी कल वैकेंसी केबीएस ने जारी की है। अब बात यह उठती है कि इस वैकेंसी का और आपके आगामी वैकेंसी का संबंध क्या होगा। यह जो वैकेंसी है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं, यह वैकेंसी एक तरीके से एलडी जो है सी की है, जो डिपार्टमेंटल आपकी वैकेंसी रहती है उसकी वैकेंसी आपकी जो है एक सूचना जारी कर दी गई है केवीएस के द्वारा, यानी जो केवीएस में पढ़ा रहे आपके जो है टीचर्स हैं उनके प्रमोशन को लेकर के जो एग्जाम कंडक्ट होता है उस एग्जाम की यह सूचना है। अब इसका संबंध अपकमिंग वैकेंसी से क्या होगा, यह फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी नहीं है, यह जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी है। फ्रेशर्स के लिए पीआरटी और पीजीटी टीजीटी नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बहुत ज्यादा वैकेंसी है। तो जो लोग टीचिंग वाली जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे, नॉन टीचिंग के लिए कर रहे, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपडेट हो जाएं कि आपके लिए भी केबीएस में वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है। अब बात ये उठती है कि इस वैकेंसी में ये जो आई है आपकी ईएलडीसीई के थ्रू जो होनी है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पोस्ट आपकी काफी ज्यादा है, अलग अलग पोस्ट है, जो है प्रिंसिपल की पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, पीजीटी टीजीटी एंड हेडमास्टर थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एलडीसी। अब बात यह उठती है कि यह जो आपकी वैकेंसी है इसका केबीएस में इसके आगामी वैकेंसी से क्या संबंध होगा। तो मैं अगर आपसे बात करूं, जो आपकी केबीएस की वैकेंसी लास्ट आई थी 2018 में, केबीएस की वैकेंसी लास्ट देखने को मिली थी हमें, केबीएस की जो वैकेंसी आई थी ये लास्ट वैकेंसी 2018 में। और मैंने आपको यह भी बताया था कि केबीएस में 2019 का जब चुनाव था तो 2018 में ठीक ठाक वैकेंसी आई थी। अब चुनाव 2024 में है तो इस बार भी 2023 वाले सत्र में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी मिलेंगी। कैसे 2023 में आएगी, तो 2018 का जो आपका जो है केबीएस का नोटिफिकेशन आया था वो नोटिफिकेशन फ्रेशर्स के लिए आपका जो है अगस्त 2018 में जारी हुआ था। इस अगस्त 2018 में जो नोटिफिकेशन आपका आया था, ठीक है, पीजीटी पीआरटी और टीजीटी तमाम पदों के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए, इससे ठीक पहले एलडीसी का एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया था 2018 का केवीएस के द्वारा, और यह एग्जाम आपका कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था। ठीक है, तो अप्रैल 2018 में जब एलडीसी का एग्जाम हुआ उसके बाद उन केवीएस में यह पता चला कि कितने पद आपके खाली हैं, तो पदों के आधार पर फिर अगली वैकेंसी आप देख रहे थे अगस्त में देखने को मिली थी 2018 में। तो अभी जब यह आपका सर्कुलर आ चुका है, ठीक है, एलडीसी एग्जाम को लेकर के आ चुका है, तो अगली वैकेंसी आपके आने वाले 3 से 4 महीने, ठीक है, 3 से 4 महीने या 5 महीने के ड्यूरेशन में देखने को मिलेगी। और इस बार एक उम्मीद की जा रही है कि पीआरटी की वैकेंसी तो ठीक ठाक आनी ही है, ठीक है, पीजीटी भी इसमें ठीक ठाक वैकेंसी होंगी और टीजीटी की भी वैकेंसी ठीक ठाक होंगी। ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर मैं बात करूं, नॉन टीचिंग स्टाफ का आशय होता है कि जितने जो है वहां पर अन्य कर्मचारी होते हैं, तो अन्य कर्मचारियों में चपरासी हो गए, क्लर्क हो गए, इन सभी की जो आपकी पोस्ट होती है इसके लिए भी वैकेंसी आपकी अच्छी खासी आने की उम्मीद है। तो दोनों के लिए मौका है, जो लोग टीचिंग की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लोग कॉमन आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका आ रहा है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि लगभग 4 से 5 महीने का आपका जो है एक टाइम पीरियड रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें आपको देखने को यह वैकेंसी मिल जाएगी। अगर यूपी की मैं बात करूं, अभी ट्विटर अभियान चला, ट्विटर अभियान में क्या हुआ, यूपी में एक बात आपको सोचने को, एक सूचना अभी मैं मुझे प्राप्त हुई, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की बंपर भर्ती आने वाली है। ठीक है, आंगनबाड़ी के जो है गवर्नमेंट अच्छी खासी भर्ती करने जा रही है। अब यह नहीं समझ में आ रहा है, आप देख रहे हो कि 51,000 पद तो मिनिमम जो है यूपी में खाली ही है बेसिक के, और आप आंगनबाड़ी जैसी चीजों में भर्ती करने के लिए उत्सुक हैं, आप यहां पर शिक्षक भर्ती जो है शिक्षक साथी नए पदों का सृजन कर रहे हैं, तो यह वैकेंसी आखिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्यों दे रही है।
इसमें एक ही मामला आपका लोचा फंसा हुआ है अभी तक, जो आपकी बेसिक वाली वैकेंसी आनी है। देखो आएगी तो यह तो डन है, इनको देना पड़ेगा चुनाव। अभी तक ये जिस हिसाब से बीजेपी रणनीति खेल रही थी वो रणनीति इनकी चुनाव में फेल होगी, 100% फेल होगी अगर वैकेंसी बड़ी वैकेंसी नहीं देते हैं यूपी में। वो मामला थोड़ा सा वो जो आरक्षण वाली विसंगति है उसी को दूर करने में लगे हैं सारे लोग। जैसे ही वो विसंगत दूर होगी वैसे ही आपकी यूपी में भी वैकेंसी प्राइमरी वाली आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरा यही आपको सुझाव है, जो लोग इस जो है लाइन से जुड़े हुए हैं, जैसे टीचिंग एग्जाम की आप यूपी टीजीटी पीजीटी आप लोगों ने डाल रखा होगा, जहां तक है इसकी भी तिथि आपकी दिसंबर या जनवरी जा सकती है, तो उसी के क्रम में अपने सब्जेक्ट पर इस समय आपका जो है रिवीजन का फेज चल रहा होगा। लगभग कोर्सेज आप लोग जो है कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इस रिवीजन के फेज में अपने सब्जेक्ट को और ज्यादा आप बूस्ट करिए, क्योंकि जिससे कि आपको आगामी केवीएस में भी मौका मिल सके। और कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी है, ट्विटर अभियान कल बहुत अच्छा चला था और ये लगातार चलना है 15 नवंबर तक, ठीक है, इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है इसका प्रभाव नहीं जाएगा, इसका प्रभाव अच्छा जाएगा। जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी ट्वीट करिए, ट्विटर पर आप देखिए, इस समय जो है अच्छी खासी संख्या में छात्र लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर के 15 तारीख तक लगातार ट्वीट करेंगे 15 नवंबर तक। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग जरूर इसमें ट्वीट करिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में करिए, ताकि यह भी आपका ठीक है ट्रेंडिंग में दिखने लगे, इंडिया के ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो इस सूचना के साथ बस इतना ही, जैसे ही अन्य किसी जो है भर्ती को लेकर के अपडेट मिलती है पुनः आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा प्लस का, उसको आप टेलीग्राम पर सर्च करिए @परीक्षा प्लस, वहां से भी जुड़ जाइए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। देखो होता क्या है ना कि हम ही आप एक सकारात्मक माहौल बांध सकते हैं, ठीक है, और वो सकारात्मक माहौल क्या होता है, जैसे बहुत सारी यूपी को लेकर के न्यूज को लेकर के सरकार का ऐसा रवैया है ना कि इसमें मतलब आप ऊपर से तो चाहे जो करें लेकिन अंदर से तो वही चीज निकलती है, जैसा छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लिपिक संवर्ग का आपने भर्ती देगी, एडेड में आपके टीचर्स की भी वैकेंसी बहुत खाली है, हालांकि अध्याचन गया है, आप देखिए कब आता है वापस, और फिर उसके बारे में जैसे कोई सूचना प्राप्त होती है तो बताता हूं। फिर मिलूंगा एक नए अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।